अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम SST पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है, देखिए, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आपके PFS में कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंटेंट में देखिए, आपके PFS में 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर है हमारा ये PFS का, और ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा ये भी आएगा पार्ट 4 में आएगा ये, और यहाँ आज हमारा चैप्टर 4 के साथ साथ हमारा PFS का कोर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 22 ओपन कर लिए फिर। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अब ये है क्या? तो उससे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर भी आप क्या करिए, पार्ट 4 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करिए, पार्ट 4 लिख लिए, और यहाँ पर डेट लिख लिएगा उस दिन के जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है क्या चीज़ है क्या ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये क्या है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज अ कंट्री। क्या है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? क्या है एक ये DRC जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्या है ये? एक कंट्री है ये। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है? एक कंट्री है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज अ कंट्री लोकेटेड डीप इन द हार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कहाँ पर? ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, बहुत गहराई में, बिल्कुल हट में, मतलब इस कह लिए बिल्कुल सतह में है इसके। ठीक है, बहुत ही बीचों बीच में, बिल्कुल अफ्रीका के बहुत अंदर है ये। ठीक है, इसलिए कहते हैं हार्ट ऑफ, कहाँ पर है ये? हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हार्ट में, दिल में है। द कंट्री लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, और ये कंट्री कहाँ पर आती है? इक्वेटोरियल रीजन में आती है ये कंट्री। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में आती है ये, लाई करती है। इट लाइज इन द टॉरिड जोन, और ये टॉरिड जोन के अंदर आती है। कहाँ आती है? टॉरिड जोन, जहाँ पर हमारा पड़ता है वहाँ पर आती है ये कंट्री। इट वॉज रूल्ड बाई बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। और ये जो है कब तक जो है रूल किया गया ये इस पर? बेल्जियम का सबसे पहले रूल था, मतलब कब तक रूल था ये जो है रूल, इस पर किसने किया था? बेल्जियम ने किया था। और कब तक रूल किया था? इंडिपेंडेंट, जब तक नहीं आ गई उनके पास आज़ादी नहीं आ गई 1960 तक। ठीक है, 1960 तक उन पर किसने हुकूमत की थी? बेल्जियम ने हुकूमत की थी। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो, बेल्जियन कॉन्गो। और इसका पहले नाम, जब बेल्जियम इस पर हुकूमत कर रहे थे, बेल्जियम जो लोग हैं, बेल्जियम के जो लोग हैं, वहाँ की जो कंट्री है, वो लोग जब इस पर हुकूमत कर रहे थे, इस पर रूल कर रहे थे, तब इसका नाम क्या था? बेल्जियन कॉन्गो। ठीक है, इस जगह का नाम क्या था? बेल्जियन कॉन्गो। इन 1971 इट नेम वॉज चेंज टू ज़ेरे, वैसे ये होता है ज़े। ठीक है, ज़े आर यहाँ पर साइलेंट होता है, तो ये कैसे पढ़ते हैं? ज़े, ज़ेरे पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, मगर ये पहले क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, जब ये इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बाई बेल्जियन कॉन्गो, इसे पहले बेल्जियन कॉन्गो कहा जाता था, फिर इन 1971, फिर 1971 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया और ज़ेरे पड़ गया। ठीक है, क्या हो गया चेंज होके? ज़ेरे, पहले क्या था? बेल्जियन कॉन्गो, उसके बाद क्या हो गया चेंज होके? ज़ेरे। फिर इन 1997 इट्स नेम वॉज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर 1997 में इसका नाम क्या हो गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये IC है, रिपब्लिक LIC। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ। क्या नाम हो गया इसका? 1971 में इसका नाम बेल्जियन कॉन्गो से हटकर ज़ेरे पड़ा, और उसके बाद 1997 में ज़ेरे से हटकर क्या हो गया इसका नाम? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये पूरा इसका कंट्री का नाम है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, DRC शॉर्ट फॉर्म है इसकी, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, विच इज़ इट्स एग्जिस्टिंग नेम, इट्स कैपिटल इज़ किनशासा। और ये कह रहे हैं जो कि अब तक इसका नाम यही चला आ रहा है। ठीक है, एग्जिस्टिंग नेम यही है इसका, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? किनशासा। क्या नाम है? किनशासा। ठीक है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है DRC का? किनशासा। नेक्स्ट क्या है अब? लोकेशन, कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है ये? कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका एट द इक्वेटर पासिस थ्रू इट। कहाँ पर है कॉन्गो? सेंट्रल अफ्रीका में है, जहाँ से जिस अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में जिस जगह से इक्वेटर पास होता है वहाँ पर मौजूद है ये इक्वेटर हमारा जो पास होता है यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका में, वहाँ पर हमारा क्या मौजूद है? कॉन्गो, यानी DRC। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पूरा नाम है इसका, और कॉन्गो भी कहते हैं इसे।
इट्स कैपिटल किन्शासा इज लोकेटेड ऑन द कॉन्गो रिवर, और जो इसकी कैपिटल किन्शासा है ये कहाँ पर है, कॉन्गो रिवर जो है, कॉन्गो नदी जो है वहाँ पर है इसकी, ये किन्शासा जो इसकी क्या है कैपिटल है। कॉन्गो इज ऑलमोस्ट आ लैंड लॉक्ड कंट्री, और कॉन्गो क्या है एक लैंड लॉक कंट्री है, पूरी तरह से क्या है एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है ठीक है। लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जो कि पूरी तरह से ज़मीन से घिरी हो, ठीक है, सराउंडेड बाय लैंड, हर तरफ से चारों तरफ से क्या हो ज़मीनों से घिरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इसीलिए कॉन्गो को क्या कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री, मतलब ये ज़मीनों से चारों तरफ घिरी हुई है, इसके चारों तरफ ज़मीन है लैंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। इन इट्स नॉर्थ लाइज द वर्ल्ड बिगेस्ट डिजर्ट द सहारा डिजर्ट, और इसके नॉर्थ में जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, इसके नॉर्थ में आता है, क्या नाम है उसका, सहारा डिजर्ट। द अदर कंट्रीज दैट सराउंड इट आर, और जो दूसरी कंट्रीज के चारों तरफ हैं वो कौन कौन सी हैं, एंगोला, जम्बिया, तंजानिया और बुरुंदी, रवांडा और ये उगांडा, सुदान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सारी क्या हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके चारों तरफ हैं, इसीलिए इसके चारों तरफ क्या हैं, ये सारी कंट्रीज़ हैं, लैंड है, इसलिए इसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, जिसके चारों तरफ सारी तरफ लैंड हो, पूरी तरफ ज़मीन हो, उसे हम क्या कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस, इसकी क्लाइमेट कैसी है यहाँ पर, क्लाइमेट कैसा है इसका और वेजिटेशंस कैसी हैं इसकी। DRC experiences tropical climate. DRC मतलब Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo experiences tropical climate. कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। इट इज़ हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल कैसा रहता है, हॉट एंड वेट मतलब गर्म और गीला रहता है पूरे साल, यहाँ गर्मी बहुत रहती है और गीला रहता है पूरे साल। कैसे, इन द मॉर्निंग द सन शाइन्स ब्राइट एंड बाय नून इट बिकम्स वेरी हॉट, क्या होता है जब सुबह होती है जो सूरज होता है फिर क्या होता है बहुत चमकदार दिखता है, ठीक है, और जब दोपहर होते होते 12 बजते, नून किसे कहते हैं 12 बजे तक, दोपहर होते होते क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वहाँ पर जो सूरज है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बाय आफ्टरनून द स्काई कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड, और आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद ही, फौरन ही 12 बजे के बाद ही, नून के बाद, नून कहते हैं 12 बजे का समय, और आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ही क्या होता है पूरा बादल, जितने भी बादल होते हैं काले पड़ जाते हैं, काले काले बादलों से आसमान घिर जाता है। एंड देर इज़ नो हैवी रेनफॉल, एंड देर इज़ आ हैवी रेनफॉल, और उसके बाद से ही क्या होती है बारिश होना शुरू हो जाती है। अब देखो सुबह सुबह सूरज निकला, अच्छी खासी चमकदार धूप होगी, उसके बाद 12 बजे तक बहुत गर्मी हो जाएगी, फिर 12 के बाद फौरन ही वहाँ पर आसमानों में क्या हो जाएगा, काले काले बादल छा जाएंगे और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगेगी, और उसके साथ साथ क्या होती है थंडर और लाइटनिंग, मतलब बिजली भी कड़कती है और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, चमक होती है बिजली की, ठीक है, मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं वहाँ पर क्या होती है थंडर, कड़कड़ाहट बिजली की, और उसकी रोशनी भी बहुत आती है, ठीक है। DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल, अगर ये हम मेज़र करें तो 200 मीटर के हिसाब से भी ज़्यादा क्या मिलती है यहाँ पर, बारिश होती है 200 सेंटीमीटर के हिसाब से भी ज़्यादा, ठीक है। द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल, और इक्वल ड्यूरेशन, और यहाँ के जो दिन और रात हैं वो लगभग जो है बराबर ही होते हैं, बराबर होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि 8 घंटे की रात और बाकी जो है फिर दिन, यहाँ पर अगर 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे के दिन, इस हिसाब से लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर डिमार्केशन ऑफ द सीज़न हेयर, और ना ही यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिमार्केशन नहीं है सीज़न का, डिमार्केशन मतलब ये कहते हैं मतलब एक तरह से एक बाउंड्री बना देना कि हाँ इसी टाइम ही आएगा सीज़न, ठीक है, कोई पर्टिकुलर है ही नहीं सीज़न का यहाँ पर कि किस टाइम कौन सा सीज़न चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर सुबह से 12 बजे तक धूप निकली उसके बाद फौरन ही बारिश होने लगती है, तो ये रोज़ का पूरे साल का यही पैटर्न है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और गीला रहता है। वेजिटेशन इज़ वेरी रिच हेयर, वेजिटेशन क्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है।
और ये जो डिमार्केशन वर्ड है इसका मतलब क्या है? सीमा, मतलब बॉर्डर, मतलब इसका कोई बॉर्डर नहीं है, हम बता नहीं सकते कि कहाँ पर कौन सा सीज़न आएगा, कौन सा सीज़न किस कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, कोई रेखा नहीं है उसकी, हम मतलब बता नहीं सकते, वही कह रहे हैं देयर इज़ नो पर्टिकुलर डिमार्केशन ऑफ सीज़न, ठीक है। और वेजिटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन है यहाँ पर, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है यहाँ पर, फसलें बहुत अच्छी उगती हैं, द क्लाइमेटिक कंडीशन आर हाईली सुटेबल फॉर प्लांट लाइफ। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मौसम है यहाँ का, जो यहाँ पर मौसम है यहाँ पर, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो इतनी अच्छी कंडीशन है क्लाइमेट की यहाँ पर, कि वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है प्लांट की लाइफ के लिए, ठीक है, यहाँ पर यानी प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। द ट्रीज़ इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। यहाँ के जो पेड़ हैं ये बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं, बहुत लंबे ग्रो करते हैं, और क्या कह रहे हैं ये, द ट्रीज इन दिस एरिया आर ग्रो वेरी टॉल, बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं, एंड फॉर्म अ कैनोपी, और कैनोपी बना लेते हैं, मतलब इस तरह से बना लेते हैं जैसे छाते की तरह, मतलब कि जिससे सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं आ पाती नीचे तक, ग्राउंड तक, प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। और सनलाइट को कहाँ तक नहीं आने देती है, ग्राउंड तक रीच होने नहीं देती है, मतलब पहुँचने नहीं देती है। यहाँ के जो पेड़ हैं वो इतने ऊँचे ऊँचे हो जाते हैं यहाँ पर, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो बहुत लंबे और टॉल हो जाते हैं यहाँ के पेड़ जब बढ़ते हैं, यहाँ के ट्रीज़। और उसके बाद क्या करते हैं, कैनोपी टाइप के स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उससे क्या होता है, यहाँ पर सूरज की रोशनी ग्राउंड तक नहीं आ पाती, ज़मीन तक नहीं आ पाती, इतने घने होते हैं वो, ठीक है। Therefore, is sometimes called the heart of darkness. इसीलिए कभी कभी ये जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ठीक है, अंधेरे का दिल, इसका दूसरा नाम और क्या है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। कुछ कभी कभी क्या कहा जाता है इसे, हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतने घने पेड़ और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं कि वो उसके सूरज की रोशनी को ऊपर ही रोक देते हैं, वहीं तक ही सीमित रोक देते हैं, सीमित कर देते हैं, क्यों, वो आने ही नहीं देते हैं, कैनोपी बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे नहीं आ पाती रोशनी, तो अंधेरा रहता है, ठीक है, जंगलों में तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं इसे हम, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ट्रीज लाइक टीक, एबोनी, महागोनी एंड रेडवुड ग्रो अबेंडेंटली। मतलब यहाँ के जो ट्री हैं, जो पेड़ उगते हैं, वो कौन कौन से, टीक, एबोनी, महागोनी, रेडवुड, और ये क्या है, एबेंडेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे आपको ये, ठीक है, आराम से इजीली आपको ये सारे पेड़ यहाँ पर मिल जाएंगे। बैम्बू, रबर, कॉटन एंड बनाना ऑल्सो ग्रो हेयर। और यहाँ के जो और डिफरेंट प्लांट हैं, वो पेड़ हैं, वो कौन से हैं, बैम्बू के, रबर के, या कॉटन के, और बनाना के, ये सारे प्लांट भी यहाँ, ये सारे ट्रीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में क्या है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ का मतलब कैसा है, यहाँ के एनिमल्स क्या हैं, कौन से हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या है इसमें, एनिमल लाइफ इज़ रिच एंड डाइवर्स। यहाँ का जो एनिमल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिच है, रिच जो वर्ड यूज़ करते हैं, रिच का मतलब होता है अमीर, मतलब यह बहुत अमीर है, यहाँ पर जानवरों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर एनिमल हैं, और डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मिल जाएंगे आपको, डाइवर्स है यहाँ पर, डाइवर्स क्वान्टिटी है, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी है एनिमल की, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मिल जाएंगे आपको। चिम्पैंजीज, अफ्रीकन फॉरेस्ट, एलिफेंट, ओकापी, जियांट वाइल्ड बोर, एंड शॉर्ट एंटीलोप्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। ये सारे जो एनिमल ही कहाँ मिलते हैं हमें, फॉरेस्ट में मिल जाते हैं, जंगलों में, ठीक है। गोरिलाज लिव इन द माउंटेन, और जो गोरिला होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। बैनोबॉस आर प्रेजेंट अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर, और जो बैनोबॉस जानवर है ये कहाँ रहता है, कॉन्गो रिवर के किनारे, बैंक कहते हैं किनारा, ठीक है, कॉन्गो जो नदी है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्गो में जो कॉन्गो नदी है DRC में, वहाँ पर कौन रहता है, बैनोबॉस, ठीक है, ये भी एनिमल है। लायंस, जिराफ एंड लेपर्ड, लायंस, जिराफ और जो लेपर्ड हैं वो कहाँ रहते हैं, इनहेबिट द ग्रास लैंड, ये ग्रास लैंड्स में रहते हैं। हिप्पोपोटेमसेस एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉमन इन द रिवर एंड द लेक्स, और जो हिप्पोपोटेमस होते हैं और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कॉमनली कहाँ पर मिलते हैं, नॉर्मली कहाँ मिलेंगे आपको, आमतौर पर ये रिवर में या लेक में मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हिप्पोपोटेमस और क्रोकोडाइल ये दोनों ही कहाँ रहना चाहते हैं, पानी में, इसलिए ये लेक्स और रिवर में मिलते हैं। रेप्टाइल इंक्लूड वेरियस स्नैक सच एज पाइथन, वाइपर्स, एक्सेट्रा, और यहाँ के जो रेप्टाइल्स हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्नैक जो हैं हमारे, कौन कौन से हैं, पाइथन्स है, वाइपर्स हैं, एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ यहाँ पर स्नैक्स भी आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट वेराइटी के सांप भी मिल जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर ही चिंपेंजी और ओकापी जो है एनिमल, इसकी आपको पिक्चर्स भी दी है। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, पेज नंबर 24। अब क्या है, इकनॉमी, मतलब यहाँ की इकनॉमी क्या है, ठीक है,
पैसा कमाते हैं जो, पैसा कैसा है वहाँ पर, माली हालत कैसी है, ठीक है। या फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग। क्योंकि हम सबको ही पता है यहाँ पर हर पूरे साल कंटिन्यू, मतलब नॉर्मली यहाँ पर अगर देखा जाए तो बारिश होती रहती है और गर्मी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर फार्मिंग के लिए तो बहुत अच्छी जगह हुई है, ठीक है, वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह हुई। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, तो यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, मेन काम है यहाँ का, वो क्या है, फार्मिंग है, किसानी यानी खेती बाड़ी करना, ठीक है। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, और जो जंगलों के बड़े बड़े काफ़ी एरियाज जो है काट दिए गए, इसीलिए वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े जंगलों के एरिया काट के ख़त्म कर दिए गए वहाँ से, मतलब पेड़ों को हटा दिया गया, जंगलों को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि वो जगह, ज़मीन जो बचे, जंगलों की ज़मीन जो हटाई गई, वो किस लिए यूज़ कर सकें हम, फार्मिंग के लिए, किसानी के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, खेती के लिए। द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, मेज एंड कसावा, और यहाँ का जो मेन फूड क्रॉप है, जो सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप उगाया जाता है, कौन कौन सा है, राइस यानी चावल, मेज़ और कसावा। कसावा ये प्लांट है, इसे ही हम किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कसावा को, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दी है, और फिशिंग भी यहाँ पर करते हैं। कसावा इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, कसावा क्या है, ये स्टेपल डाइट में आता है, पीपल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के पीपल की स्टेपल डाइट है ये, ठीक है। इट इज़ अ रूट क्रॉप, ये क्या है, एक रूट क्रॉप है, मतलब ये जड़ है, ये जड़ है, रूट है, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, रूट वाला, जो जड़ होती है ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है। इट इज़ ड्राइड एंड क्रश्ड टू मेक फ्लोर, ये सुखा के और इसे क्रश करके, मतलब मसल के कह लिए या पीस कर कह लिए, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसका आटा बना लिया जाता है, फ्लोर बना लिया जाता है। विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैश क्रॉप्स लाइक कोकोवा, टोबैको, रबर एंड ऑयल पाम आर ऑल्सो ग्रोन, और यहाँ के जो कुछ कैश क्रॉप हैं कौन कौन से, कोकोवा, टोबैको, रबर और ऑयल पाम, ये सब भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। द कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, और जो यहाँ की कैश क्रॉप्स हैं कौन कौन सी, टोबैको, कोकोआ, रबर और ऑयल पाम, ये सब एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, मतलब यहाँ से भेजी जाती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में सेल की जाती हैं, बेचते हैं ये लोग, कौन कौन से कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी ये कैश क्रॉप्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं। फिशिंग इज़ डन इन रिवर एंड लेक्स, और जहाँ जिस जगह रिवर और लेक्स होंगी वहाँ पर क्या करते हैं, लोग बाग फिशिंग करते हैं उस इलाके में। देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज़ ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी है, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक मतलब कमी, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कमी, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं, फ्यू हैं। एंड सोर्सेस ऑफ पावर, और पावर की सोर्सेज की वजह से भी, पावर की सोर्सेज भी यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत कम बनी हुई हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ की जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेन सोर्स एनर्जी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द मेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मिल्क, बीवरेजेस और रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स, यहाँ के जो मेन इंडस्ट्रीज यूनिट हैं वो कौन कौन सी है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल मिल की या बीवरेजेस की या रिफाइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड कंज्यूमर गुड्स की, यही मेन जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर है नहीं, क्यों, उनके क्योंकि एनर्जी का सोर्स भी नहीं है और टेक्नोलॉजीज की इनके पास कमी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यह है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC इज रिच इन मिनरल, यहाँ पर क्या है, DRC जो जगह है, ये कंट्री है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत अमीर है मिनरल के हिसाब से देखा जाए तो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, जिंक, मैगनीज, टिन, कोल, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कैडमियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिच है किसमें, मिनरल डिपॉजिट में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, कॉन्गो में, यानी DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये जो कंट्री है कॉन्गो, ये जो DRC जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोबाल्ट बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री में इसका नाम आता है। Therefore, माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मेन काम है जो यहाँ पर लोगों का क्या है, माइनिंग,
ठीक है, माइनिंग करना यहाँ का लोगों का मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन है इनका। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल, अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, ज़िंदगी कैसी है। द कंट्री इज़ थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ के कंट्री जो है थिनली पॉपुलेटेड है, मतलब ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेजेस, और ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं यहाँ के, ठीक है, विलेजेस में रहते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ देम आर बंटू स्पीकिंग नेग्रोज, बंटू स्पीकिंग नेग्रोज ये लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादातर बंटू स्पीकिंग नेग्रोज जो है लैंग्वेज बोलते हैं। दे आर टॉल एंड हेफ्टी विद डार्क स्किन, और ये टॉल लंबे होते हैं और मोटी खाल के मोटे और होते हैं डार्क स्किन, हेफ्टी विद डार्क स्किन मतलब मोटी चमड़ी के होते हैं ये लोग और डार्क स्किन होती है इनकी, ठीक है, लंबे और मोटी चमड़ी के लोग होते हैं और इनकी स्किन कैसी होती है, डार्क होती है, ठीक है। दे फॉलो अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन द विलेजेस, और गाँव में अपने जहाँ पर ये विलेजेस में रहते हैं वहाँ पर वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यहाँ पर हॉट गर्म और गीले क्लाइमेट होने की वजह से, हॉट और वेट क्लाइमेट होने की वजह से क्या करते हैं ये लोग, दे वेयर लिमिटेड क्लोथ्स, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्लोथ्स ही पहनते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत होती है। दे इंजॉय म्यूज़िक एंड डांस, ये क्या करते हैं यहाँ पर ये लोग इंजॉय करते हैं म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इन सिटीज़, और यहाँ पर अगर शहरों की बात की जाए, यहाँ जो शहर हैं, द पीपल मोस्टली वेयर मॉडर्न क्लोथ्स एंड लीड यूरोपियन लाइफ स्टाइल, तो यहाँ पर जो शहर हैं जो कॉन्गो में DRC में जो शहर हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, मॉडर्न क्लोथ्स पहनते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं और यूरोपियन लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। रिलीजन, अब यहाँ के रिलीजन जो मजहब है वो क्या है, द पीपल हैव ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजियस बिलीव इन अ सुप्रीम बींग, मतलब इन्हें जो है ये जो पीपल हैं यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजियस बिलीफ है किसमें, अपने सुप्रीम बींग में, ठीक है, मतलब इनके जो देवता हैं उनमें ही अपने बिलीव हैं, इनके रिलीजियस सुप्रीम बिलीव हैं, ठीक है, अपने ही हिसाब से इनकी कुछ बिलीव्स हैं, कुछ भरोसे हैं जिस पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उसी हिसाब से इनके मजहब हैं। दे प्रे टू देयर एंसेस्टर, ये क्या करते हैं अपने एंसेस्टर्स की, जो इनके पूर्वज जो गुजर चुके हैं इनके पहले के जो लोग इनके ज़माने में, उनकी इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। स्पिरिट्स ऑफ नेचर, और नेचर की स्पिरिट्स को, एंड प्रैक्टिस मैजिक, और यहाँ के लोग क्या करते हैं जादू टोना करते हैं, ठीक है, जादू की प्रैक्टिस करते हैं, जादू करते हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअल हीलर्स कॉल्ड एंगंगाज, ठीक है, यहाँ के जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एंगंगाज, यूज सेक्रेट मेडिसिन मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स टू क्योर पेशेंट्स, मतलब यहाँ के जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, हीलर्स के मतलब यहाँ के जो स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं एंगंगाज, ठीक है, ये क्या करते हैं सेक्रेट मेडिसिन को यूज़ करते हैं, मतलब पुराने ज़माने की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन्हें ही यूज़ करते हैं, जड़ी बूटी वाली वही बात कि पेड़ों की जड़ी बूटियों को यूज़ करना, ठीक है, सेक्रेट मेडिसिन को यूज़ करते हैं, मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ हर्ब्स, किससे बनती हैं सेक्रेट मेडिसिन, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स से बनी होती हैं, पेशेंट्स को ठीक करने के लिए ये वैरायटी ऑफ मेडिसिन ऐसे ही यूज़ करते हैं। टुडे मैनी कॉन्गोलीज प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी एज देयर प्राइमरी रिलीजन, और आज के ज़माने में जो बहुत सारे जो कॉन्गोलीज हैं, कॉन्गोलीज मतलब जो कॉन्गो के रहने वाले हैं, वो आजकल क्या हैं क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनका प्राइमरी रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही माना जाता है, मतलब वो खुद अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही उन्होंने मान लिया है प्राइमरी रिलीजन काफ़ी कॉन्गोलीज में। लैंग्वेज, अब इनकी लैंग्वेज क्या है, मोर देन 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द कंट्री, यहाँ पर DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 200 से ज़्यादा तरीके की ज़बानें बोली जाती हैं, 200 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जैसे हमारी यहाँ पर इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है फ्रेंच, ठीक है, वो अगर जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हो सकता है 200 लैंग्वेजेस में से एक इंसान दूसरा बोल रहा है, एक इंसान दूसरा बोल रहा है, तो आपस में कैसे बात करेंगे, वो फ्रेंच में बात करेंगे, यानी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। देयर आर 4 अफ्रीकन लैंग्वेजेस, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो अफ्रीकन लैंग्वेज ही 4 हैं, कौन कौन सी हैं, स्पोकन वाइल्डली जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पर कितनी अफ्रीकन लैंग्वेज है, 4 तरह की तो अफ्रीकन ही लैंग्वेज है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा बोली जाती है, कौन कौन सी है, दीज आर स्वाहिली और किकोंगो और शिलुबा एंड लिंगाला,
ये चार अफ्रीकन लैंग्वेज हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो यूज़ करी जाती है, बहुत ज़्यादातर लोग बाग यही बोलते हैं। वैसे तो 200 लैंग्वेज हैं अलग अलग लोग जो बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन यातायात की बात करें यहाँ पर, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डज नॉट हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है, यहाँ पर एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। रोड्स एंड रेलवेज आर इन पुअर कंडीशन। यहाँ के जो रोड हैं, जो रेलवेज हैं, यहाँ की जो रेलवे ट्रैक्स हैं, मतलब जो ट्रेनों के लिए रेलवेज देखो या रोडवेज के लिए अगर रोड की बात करें, तो ये बहुत ही पुअर कंडीशन है, बहुत ही बेकार हालत है, यहाँ पर अच्छी कंडीशन नहीं है। विच कॉज प्रॉब्लम्स टू ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स टू मार्केट, जिसकी वजह से इन्हें बहुत परेशानियाँ होती हैं जो खेती बाड़ी ये करते हैं, उस क्रॉप्स को, उन धानों को, उन जो हम मटेरियल ये जो उगाते हैं, वो सारा मार्केट तक पहुँचाने में इन्हें बहुत परेशानियाँ होती हैं। पीपल एक्सटेंसिवली यूज़ वाटरवेज, और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, वाटरवेज, पानी के ज़रिए जो है सफ़र करते हैं। द कॉन्गो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सर्व एज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ की जो कॉन्गो नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो क्या करती है, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है सर्व करती है, मतलब एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जरिया, एक रास्ता जो है देती है, क्योंकि यहाँ पर रोडवेज रेलवेज तो बहुत ही ख़राब है, तो नदियों के ज़रिए जाते हैं, और नदियों में सबसे जो नदी जो सबसे ज़्यादा लोग बाग यूज़ करते हैं सफ़र के लिए, कौन सी है, कॉन्गो और उसकी ट्रिब्यूटरीज। द कंट्री हैज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड स्टेट ओन्ड कॉन्गो एयरलाइंस, और यहाँ की जो कंट्री है उसकी क्या है, अपनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और स्टेट ओन्ड कॉन्गो एयरलाइंस है, अपनी उसकी कॉन्गो एयरलाइंस हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा तो इसमें कुछ था नहीं खास, ऐसा छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज में क्या है, टेक द करेक्ट ऑप्शन, ये हमें बुक में ही करनी है, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में करनी है। फिर नेम द फॉलोइंग, ये भी बुक में रहने देना है, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉपी में जो करना है क्या करना है, ठीक है, ये करना है खाली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बाकी सब हमें किस में करना है, बुक में ही रहने देना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक द करेक्ट से। पहला क्या है हमारा टेक द करेक्ट, फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, कौन सी जो है कैपिटल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो की कैपिटल कौन सी है, मैंने अभी बताई थी पीछे और यहाँ पर लिखी भी है, मैंने टेक भी कर रखी है, किनशासा। क्या है कैपिटल कॉन्गो की, कैपिटल कौन सी है, किनशासा, ठीक है, किनशासा जो है कॉन्गो की कैपिटल है, तो इस पर बी पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है, डीआरसी एक्सपीरियंसेस क्लाइमेट, डीआरसी मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये किसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का जो मौसम है वो कैसा होता है, यहाँ पर जो क्लाइमेट है कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर, कैसा, वेट और हॉट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो आप इस पर बी पर, इस पर भी टिक कर लिए। थर्ड क्या है हमारा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डीआरसी, डीआरसी की यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच, क्या है, फ्रेंच, तो सी है इसका करेक्ट, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हेयर, यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी को, पानी के एनर्जी को यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो मेन सोर्स है एनर्जी का क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी की मदद से बिजली बनाते हैं ये लोग, तो यही इसका मेन सोर्स है, वरना इसके पास ऐसा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से है, क्या है वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स को यूज़ कर फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, तो डी आर सी लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, डी आर सी कहाँ आता है, इक्वेटोरियल रीजन में आता है, ई क्यू यू ए टी ओ आर आई ए एल, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर लिखा है, इक्वेटोरियल, ठीक है, ये कहाँ पर आता है, डी आर सी इक्वेटोरियल रीजन में आता है। नेक्स्ट क्या है, डी आर सी इज हॉट एंड वेट, डी आर सी क्या है, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, डी आर सी जो है वो हॉट और वेट होता है पूरे साल, गर्म और गीला रहता है, ठीक है। बैनोबर्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर, बैनोबर्स क्या है, ये एनिमल है मैंने बताया था, और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर के किनारे रहते हैं, कॉन्गो नदी के किनारे रहते हैं, ठीक है। माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम है यहाँ का सबसे, वो क्या है, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग क्या है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ का मेन काम है। नेक्स्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग,
अब इसके हमें क्या करने हैं, कुछ फॉलोइंग नाम बताने हैं। एनी टू ट्रीज ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो के दो पेड़ों के कोई भी नाम बताने हैं। तो टीक और इबोनी, ऐसे तो कई नाम दिए हैं इसमें, मगर हमने दो लिखने हैं तो इसलिए हमने एनी टू की बात की है तो दो हमने लिख दिए, टीक और इबोनी, ई बी ओ एन वाई। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा, एनी टू एनिमल्स फाउंड इन द कॉन्गो, दो एनिमल के नाम बताने हैं जो कि कॉन्गो में मिल जाएं या कॉन्गो में रहते हों। कौन कौन से, चिम्पैंजीज और उकापी, कौन कौन से, चिम्पैंजीज और उकापी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है थर्ड हमारा, एनी टू मेन फूड क्रॉप्स ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो की दो मेन फूड क्रॉप जो है हमारी, मेन फूड क्रॉप में कौन कौन सी थी, मेज और कसावा, और एक और थी तो हमने दो लिखनी है इसलिए हमने यहाँ पर दो ही लिखी है, मेज और कसावा, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, एनी टू कैश क्रॉप ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो की कैश क्रॉप के नाम क्या थे, कोकोआ टोबैको, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कोकोआ और टोबैको, ठीक है, ये हमारी दो कैश क्रॉप हो गई। एनी टू मिनरल्स ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो के दो मिनरल्स के नाम बताने जो कॉन्गो में मिलते हों, कौन कौन से, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, और वहाँ पर क्या है, यूरेनियम, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी यहाँ पर, कौन कौन सी हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, तो हमने दो लिखे हैं यहाँ पर खाली, गोल्ड और डायमंड। अब नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमें कॉपी में करने हैं तो इसके लिए आप कॉपी ओपन कर लिए, हमें कॉपी में करने हैं ना ये, तो इसलिए कॉपी ओपन कर लिए इसके लिए, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर टॉप पर क्या लिखेंगे, पार्ट फोर अंडरलाइन करेंगे और यहीं पर लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, सेम मेरी तरह, चैप्टर फोर इसे भी अंडरलाइन, फिर इसका नाम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चैप्टर का नाम, इसे भी फिर अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर डेट लिख दिएगा, ठीक है, ये तो सितंबर है और यहाँ पर डेट लिख दिएगा, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो लोकेशन है उसकी जगह कहाँ पर है वो डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिया हमने, हेडिंग डाल के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक लाइन छोड़ के आंसर वन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC इज अ कंट्री लोकेटेड डीप इन द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, द कंट्री लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, इट लाइज इन द टॉरिड जोन एंड द इक्वेटोरियल पासिस थ्रू इट, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाला जो दोनों मतलब दो अलग अलग आंसर हो रहे थे तो मैंने दोनों को मिला के पूरा एक बना दिया है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ DRC जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है उसे बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्या है आंसर टू, यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया मैंने, देखिए एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ DRC, ठीक है, DRC यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट, फिर एक लाइन छोड़ के आंसर स्टार्ट करा, DRC एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट इज़, ठीक है, DRC एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, कैसा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर इट इज़, नेक्स्ट पेज से है हमारा, इट इज़ हॉट एंड वेट थ्रू आउट द एयर, इन द मॉर्निंग द सन शाइन्स ब्राइट, बाई नून इट बिकम वेरी हॉट, ठीक है, ये क्या है, टी है हमारा, By afternoon, the sky is covered with black cloud and there is a heavy rainfall, accompanied by thunder and lightning. Accompanied मतलब साथ में, इसके साथ में बिजली कड़कती है और रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है, ठीक है, खाली बारिश नहीं होती, बारिश के साथ साथ कड़कड़ाहट होती है, बिजली बहुत चमकती है और बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अब ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हमें शॉर्ट लाइफ बतानी है, शॉर्ट अकाउंट देना है, मतलब एक तरह का शॉर्ट नोट देना है हमें, तो थोड़ा बड़ा होगा ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिया, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आंसर नंबर थ्री, एनिमल लाइफ इज रिच एंड डाइवर्स, चिंपैंजीज, अफ्रीकन फॉरेस्ट, एलिफेंट, ओकापी, जियांट वाइल्ड बियर्स, जियांट वाइल्ड बोर्स एंड BOARS, ठीक है, BOARS ओ है ये और ये ए है, ठीक है, BOARS बोर्स एंड शॉर्ट एंटीलॉप्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, अब ये फॉरेस्ट में ये जानवर मिलते हैं, गोरिलाज लाइव लिव इन द माउंटेन, माउंटेन में गोरिला रहता है, बेनोवस कहाँ रहता है, बैंक ऑफ द कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर के किनारे रहता है, तट पर रहता है, बैंक पर रहता है, और लॉयंस जिराफ एंड लेपर्ड इनहेबिट द ग्रासलैंड, लॉयन जिराफ और लेपर्ड कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, और फिर क्या है, हिप्पोपोटामस और माउसेस आर क्रोकोडाइल्स,
हिप्पोपोटामसेस, ये पूरा एक साथ है, ठीक है, ये इसके साथ हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामसेस एंड क्रोकोडाइल्स आर कॉमन इन द रिवर, ये नदियों में पाए जाते हैं और लेक्स में मिलते हैं। रेप्टाइल इंक्लूड वेरियस स्नेक्स सच एज पाइथन, रैपर एक्सेट्रा, तो इसमें हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं हमारे आंसर, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट आंसर हैं, ठीक है, वाइपर एक्सेट्रा। यहाँ तक हमने ये पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, रिलीजन के बारे में लिखना है, जो यहाँ के लोग मेनली जो यहाँ के लोग मनाते हैं, यहाँ के जो रिलीजन है वो क्या है, ठीक है, वो बताना है हमारा कि यहाँ का रिलीजन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, वहाँ जो कॉन्गो जो कंट्री है वहाँ के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, अब वो बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन पहले उतारेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा आंसर क्या है इसका हमारा, द पीपल हैव ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजियस बिलीफ्स इन अ सुप्रीम बींग, ठीक है, उसके बाद दे प्रे टू देयर एंसेस्टर्स स्पिरिट्स ऑफ नेचर एंड प्रैक्टिस मैजिक, ठीक है, यहीं तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ तक है मैजिक तक, ठीक है, यहाँ तक मैजिक तक हमारा आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के जो लोग हैं उनकी लाइफ को हमें डिस्क्राइब करना है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है वहाँ के लोगों की। नेक्स्ट क्या हमारा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो, तो इसे अब डिस्क्राइब करना है पूरा, तो इसकी ये पूरा इसका लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्गो जो है पूरा आएगा इसमें, ये थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब करने का मतलब पूरा अच्छे से उसे डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना है, तो इसका आंसर ये पूरा है यहाँ से, क्वेश्चन हमने पीछे लिखा है इसका, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्गो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट है, द कंट्री से लेकर आंसर नंबर 5, द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेजेस, और ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बंटू स्पीकिंग नेग्रोज, और ज़्यादातर लोग क्या स्पीक करते हैं, क्या बोलते हैं, बंटू स्पीकिंग नेग्रोज, ये लैंग्वेज है, ठीक है, दे आर टॉल एंड हेफ्टी विद डार्क स्किन, वो लंबे और मोटी चमड़ी के होते हैं और उनका स्किन का कलर कैसा होता है, डार्क होता है, ठीक है, दे फॉलो अ ट्रेडिशनल इन विलेजर्स, मतलब ये क्या करते हैं, सॉरी शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, पीछे देखते हैं, दे फॉलो अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन द विलेजेस, ठीक है, दे फॉलो अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, यहाँ पर लाइफ स्टाइल और आ जाएगा, दे फॉलो अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन विलेजेस, ठीक है, दे फॉलो अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन विलेजेस, आप पूरा लिख लीजिएगा, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इन विलेजेस, ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट दे वेयर लिमिटेड क्लोथ्स, और गर्मी और गीले क्लाइमेट होने की वजह से, हॉट और वेट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ के लोग लिमिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, दे इंजॉय म्यूजिक डांस, और इन सिटीज द पीपल मोस्टली वेयर मॉडर्न क्लोथ्स एंड लीड यूरोपियन लाइफ स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारे एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी में करने हैं, बाकी सारी जितनों ये तीनों एक्सरसाइज जो है हमारी ये आपको बुक में ही रहने दी हैं, ये एक्टिविटी हैं, ये आप अपने आप खुद कर लिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पी ए फर्स्ट का कोर्स कम्प्लीट हो गया, यहाँ लिख लिए पी ए फर्स्ट कोर्स कम्प्लीटेड, ठीक है, और यहाँ पर भी डेट लिख देगा किस दिन हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन की यहाँ पर डेट लिख देगा, और कॉपी में भी लास्ट में यहाँ पर लिख लिया आप पी ए फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएं तो यहाँ लिख लिए पी ए फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पर भी पी ए फर्स्ट कोर्स कम्प्लीटेड और बुक में भी लिख लिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया और ये हमारा सिलेबस भी कम्प्लीट हो गया पी ए फर्स्ट का। सो थैंक यू एंड अस्सलामु अलैकुम।